तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। लाइव नागपुर से मैं अब्दुल शेख, अभी हम खड़े हैं नागपुर के संविधान चौक पे। यहाँ पर आप देखिए कि बैनर लगा है बहुजन मुक्ति पार्टी का, जो महंगाई के खिलाफ में इनका आंदोलन है। और ये आंदोलन, इनका कहना यह है कि महंगाई के बारे में अगर सरकार नहीं मानती, हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तो हम ये आंदोलन और बड़ी तादाद में करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हम। सबसे पहले मैडम आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ पर क्यों जमा हुए? मेरा नाम त्रिशला ढोले है। जोर से बोलिए, त्रिशला ढोले। एक्चुअली अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन जो है, ये जो लॉकडाउन है कम ज़्यादा क्वांटिटी में पूरी इंडिया में चल रहा है, ठीक है। इस लॉकडाउन की वजह से पूरे भारत भर में जो भी हमारे मूल निवासी समाज है, जो भी महिला है, वो बहुत समस्या में आ गई है। उनका आर्थिक प्रॉब्लम चल रहा है, उनका आर्थिक समस्या सामाजिक समस्या में है। ऐसा होते हुए भी इस वर्तमान सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने, इस मोदी सरकार ने लॉकडाउन में पूरे समाज समस्या में होने के बाद में भी महंगाई बढ़ाई है। पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, डीजल के दाम बढ़ाए हैं, गैस के दाम बढ़ाए हैं। आज हम लोग महिलाएं किचन संभालती है तो किचन में जो खाना बनाने के लिए ऑयल लगता है, खाद्य ऑयल बोलते हैं उसका दाम 180 रुपये किलो है। क्या ये हम महिलाओं को पुराने वाला है क्या? अभी ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के यहाँ की जो वर्तमान सरकार है, हम लोगों को घर में बिठा के वहाँ संसद में अलग अलग कानून बना रहे हैं। हमारे यहाँ का जो मजदूर है, मजदूर के लिए अलग अलग कानून बना रहे हैं, जो कि यहाँ के हमारे लोगों के खिलाफ है। हम लोगों को गुलाम बनाने का यहाँ की सरकार का षड्यंत्र है, ये मैं हम सब हमारे लोगों को बताना चाहती हूँ। साथ ही साथ में वहाँ नियर अबाउट एक साल से दिल्ली में जो फार्मर्स है वहाँ पे आंदोलन हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे हक अधिकार के लिए हो रहा है। अगर वो कानून पास होता है तो केवल फार्मर्स का ही नुकसान नहीं है, तो हम महिलाओं का, हमारे समाज का भी नुकसान होने वाला है। क्योंकि वो अगर कानून लागू होता है तो खाद्य तेल है, मेडिसिन है, सब महंगा होने वाला है। और वो असर पूरे समाज पे ही नहीं तो महिलाओं पे भी होने वाला है। तो हमारी ये मांग है इस सरकार से, इस वर्तमान सरकार से, ये जो लॉकडाउन की वजह से हम सबका बजट पूरा डामाडोल हो गया है, तो ये महंगाई कम करे। जो भी बिजली बिल है उसमें भी महंगाई बढ़े, वो बिजली बिल भी कम करे। जो भी गैस सिलेंडर डीजल के है, पेट्रोल के भाव है, वो भी कम करे। और कम नहीं कर सकते तो तुम ये खुर्ची खाली कर दो। अगर खुर्ची, ये जो डिमांड है वो हमारी पूरी नहीं कर सकते, महंगाई कम नहीं कर सकते, तो हमारा ये सब महिलाओं का और हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी जो है, उस बहुजन मुक्ति पार्टी की मैं महिला आघाड़ी पूर्व विदर्भ संयोजक होने के नाते मैं ये अपनी मांगे रखती हूँ कि ये महंगाई कम करे, नहीं तो अपनी खुर्ची खाली करे। मैडम बाकी सरकार तो ये बोल रही है कि हम लोग आम जनता के लिए बैठे, आम जनता का फायदा कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में बांटने का ऐलान भी कर दिया है, और जो तेल की कीमतें बढ़ रही है हमारे हाथ में नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि हम 80 करोड़ जनता का अनाज राशन फ्री में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी उन्होंने वैसा कानून किया, लेकिन दूसरा कानून आया है ना, वो हम ही पत्र भर रहे थे गैस सिलेंडर, जो राशन कार्ड है, अगर किसी को गैस सिलेंडर मिल रहा है तो उनका राशन कार्ड रद्द करो। फिर वो वैसा भी बोलते हैं, फिर राशन कार्ड क्यों रद्द कर रहे हैं? तो ये सब समझ में आता है कि हमारे लोगों को गलत कानून कायदे लागू करके हमारे समाज को गरीबी नहीं तो गुलाम बनाने का यहाँ की सरकार का षड्यंत्र है। तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ही बहुजन मुक्ति पार्टी की सभी महिलाएं यहाँ पे आज आई है। तो अभी आप ये ज्ञापन कहाँ पर देंगे मैडम? ये हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जाएंगे सर, और कलेक्टर को दे देंगे। कलेक्टर साहब को देंगे। और आपको अगर आश्वासन नहीं मिला वहाँ पर, तो आगे आपकी रणनीति क्या है, क्या करने वाले हैं? वो तो हम तो भारी जन आंदोलन करेंगे सर, भारी मात्रा में। क्या बोले? उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे भारत भर हम आंदोलन करेंगे। पूरे भारत भर? हाँ, पूरे भारत भर। अभी आज भी हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से पूरे भारत में, हर राज्य में, जिला तहसील में, सभी इसमें हमारा धक्का मारा आंदोलन है। क्योंकि ये महंगाई पूरी बढ़ा दी है, और गरीब लोगों का ही नुकसान है ना, अमीर लोगों का क्या है? उनका तो बराबर है, रास्ते पर कौन उतरेगा? गरीब लोग ही उतरेंगे ना। तो इसीलिए हम गरीबों के लिए, अमीर लोग तो कितना भी भाव बढ़े, 100 रुपये केजी चावल रहे भी, कुछ भी हो जाए, लेकिन अमीरों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, हमको ही फर्क पड़ता है। इसलिए हम ये धक्का मारा आंदोलन के लिए बीएमपी की तरफ से हम रास्ते पर उतरे हैं और निवेदन देने वाले। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरोज मेश्राम, उत्तर नागपुर महिला संघ की मैं
कार्यकर्ता हूँ और हमारा कहना है कि भाई ये लॉकडाउन में जो कामगार लोग हैं बेचारे, वो लोग इतने पीछे आ गए कि उनको ये सिलेंडर लेना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि कम से कम ये 500-600 रुपए रहता तो हम ले लेते थे, आज इसकी कीमत 1000 के ऊपर बढ़ रही है और हम लिए तो कैसे लिए, हम खाए क्या। अब लॉकडाउन में हमारे परिवार में सब लोग घर में बैठे थे और घर में बैठने के बाद में हमारे को कुछ कमाई नहीं, कुछ ही नहीं, तो हम चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं चूल्हे पे, इसलिए कि लकड़ी कहाँ से उठा था, राशन मिलने से होता है क्या। आपको तो सब्सिडी मिलती थी ना सिलेंडर की, तो सब्सिडी है भी नहीं, अभी बंद हो गई है, सब्सिडी बंद हो गई, बंद हो गई है, सब्सिडी आती थी नहीं तो कहाँ से भरने वाले हैं हम, इतने महंगा सिलेंडर कहाँ से खरीदने वाले हैं, और काम धंधे नहीं है, सिलेंडर कहाँ से खरीदेंगे, है कि नहीं। 1000 रुपए का सिलेंडर बोलने से भी सोचने को पड़ता है कि 1000 रुपए कहाँ से लाए, जब कमाई करने वाले दोनों जन घर में बैठे हैं तो कमाई कहाँ से, सिलेंडर कहाँ से लेंगे 1000 रुपए का। इसके लिए तो फिर हमको चूल्हे पे खाना बनाना है और बच्चों को भी खिलाना है, तो अभी हम चूल्हे पे ही खिचड़ी बना के कलेक्टर के ऑफिस में लेके जाने वाले हैं। चूल्हे पे खिचड़ी बना के कलेक्टर साहब को आप खिचड़ी खिलाने वाले, उनको खिलाएंगे कि तुम खाओ, हम कैसे तकलीफ में है और कैसे कर रहे, सिर्फ चावल और गेहूँ देने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। लाइट का बिल भी इतना बड़ा के आ रहा है, लाइट 3-3 महीने 4-4 महीने का लॉकडाउन है, लाइट का बिल भी कहाँ से भरेंगे, सब कुछ सोचने वाली बात है ना। कलेक्टर ने सोचना चाहिए, हर किसी ने सोचना चाहिए उसके बारे में, वो लाइट बिल माफ होगा कि नहीं होगा उनको सोचना पड़ेगा। हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे, देखेंगे कैसे नहीं करते वो, उनको तो करना ही पड़ेगा, जल आंदोलन पे उनको झुकना ही पड़ेगा, जब तक वो हमारी मांगे सुनेंगे नहीं हमको करना ही करना है। और सरकार बोलती हम दिए दिए, क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है सरकार ने, अनाज तुम देखोगे आज कंट्रोल में बोल रहे हैं, चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, लेकिन किसी को गेहूँ मिल रहा है तो किसी को चावल मिल रहा है, कोई दोनों चीज नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से सरकार तो बोल रही है ना कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में दिया, बोलना और करना बहुत बड़ी बात होती है, सरकार करती ही नहीं है, लिख के देती है लेकिन उसको फॉलो नहीं करती है। और वो जब जन लोग प्रतिदिन लोग जब वहाँ जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, उनको सच्चाई आगे आती ही नहीं है। हर बोलते हैं कोविड के लिए पैसा भेजे है हमने, कोविड वाले लोगों के लिए पैसा भेजे है, उनको दे रहे हैं, एक जन को भी कोविड का पैसा नहीं मिला है, जिनके घर में लोग मरे हैं। आज उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि वो लोग सिलेंडर नहीं खरीद सकते, वो लोग बिल नहीं भर सकते और लॉकडाउन लगा रखे हैं, और उनके उनकी परिस्थिति इतनी नाजुक है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। आप सोचो कितनी गंभीर बात है, जन पब्लिक उतर जाएंगे सड़क के ऊपर, जन आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो मैडम आप ये बताइए कि जैसा ये जो राशन फ्री में मिल रहा है मोदी जी ने जो ऐलान किया था, तो राशन की दुकान पे राशन क्या पूरा पूरा पब्लिक को दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। तो आपने इसकी शिकायत प्रशासन से की कि राशन हमको पूरा नहीं मिल रहा? जब राशन कार्ड पे जो गैस सिलेंडर मिल रहा था ना वो रद्द कर रहे थे, तभी हम लोगों ने शिकायत की थी। चावल गेहूँ दोनों मिल रहे हैं, गेहूँ मिल रहा है तो चावल नहीं मिल रहे, चावल मिल रहा है तो गेहूँ नहीं मिल रहे, ये बात हो रही है। राशन भी पूरा नहीं दिया जा रहा, तो इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की है क्या? तेल 200 रुपए किलो कम बना दिए, आज सोचो तेल के भाव बढ़ गए हैं, 3000 रुपए का पीपा आ रहा है, लोग क्या खरीदेंगे, तेल दोनों बनना, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, लोग आएंगे जाएंगे कैसे, है ना। और बोलते कि राशन कार्ड रद्द करेंगे बोल रहे, गांव-गांव जाके बोलते हैं कि भाई हम वो क्या वैक्सीन का भी हमको षड्यंत्र लगता है कि भाई गांव-गांव जाके बोल रहे हैं कि भाई सबको वैक्सीन लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो तुम्हारा राशन कार्ड हम रद्द कर देंगे, हम तुमको राशन नहीं देंगे, ये भी हमको एक षड्यंत्र लगता है वैक्सीन का भी। लेकिन मैडम वैक्सीन के बारे में तो आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि अगर तो वैक्सीन नहीं लेते तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, बाकी जो प्रशासन के जो बंदे घूम रहे हैं मोहल्लों में शॉप टू शॉप, तो उनको तो कहना है कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अगर आपको लेना है तो आपकी मर्जी, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी। सुने हैं कि भाई सब क्या बोलते वैक्सीन हम सबको फ्री देंगे बोलते हैं, ऐसा है तो हमको तो लगता है भी वैक्सीन में भी कुछ काला, क्योंकि ये भी सुना है कि वैक्सीन में पानी भी मिलाया हुआ है, ये भी हमने सुना है कि हमको उसमें भी कुछ आता है नजर, षड्यंत्र लग रहा है। लेकिन ये वैक्सीन की बात आपको किसने बोला, क्या कहाँ से पता चला आपको कि वैक्सीन नहीं लेंगे तो राशन कार्ड रद्द हो जाएगा? नहीं, हमने एक वीडियो सुना था गांव-गांव में, ऐसे गांव में नहीं क्या सोशल मीडिया पे दौंडी होती है गांव में जाके कि भाई सब गरीब लोगों ने वैक्सीन नहीं ली तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा, हमने वो वीडियो सुना था सोशल मीडिया पे। तो देखिए ये है बहुजन मुक्ति पार्टी की जो महिला है, इन्होंने जो अपना दर्द बयां किया है कि पेट्रोल का जैसा भाव बढ़ गया है
और डीजल का भाव बढ़ गया है, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ गया है, तो इनको घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि इनके बस की बात नहीं। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम चूल्हे पर लकड़ी के ऊपर खाना बनाकर कलेक्टर साहब को खिचड़ी खिलाने वाले, इनकी हालत ये है, ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तो अब इनकी सरकार से ये गुहार है कि ये सारी चीज़ों का भाव कम कर दिया जाए। अगर अन्यथा भाव कम नहीं होता है तो ये इससे बड़ा जन आंदोलन छिड़ने को तैयार है। आइए जानते हैं हम एडवोकेट साहब से। तत्काल न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। सर बताइए, आप इनके समर्थन में बहुजन मुक्ति पार्टी के आज जो देश, आपका नाम बताइए सर सबसे। मेरा नाम एडवोकेट सुबोध आवले है। आज जो इस देश में समस्या है, ये समस्या सामान्य लोगों के साथ साथ वकीलों की भी बहुत बड़ी समस्या है। आज खाने का तेल आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रहा है, सभी जो बेसिक नेसेसिटी है वो आसमान छू रही है। इसलिए आज जो चरणबद्ध आंदोलन सारे भारत भर में हो रहा है, उसको समर्थन करने के लिए हमारा लॉयर्स लोगों का जो संगठन है, इंडियन लॉयर्स एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, उनके नेशनल प्रेसिडेंट राजकुमार थोरात सर के मार्गदर्शन पे आज हम इन बीएमपी के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। आगे आपकी रणनीति क्या है सर? पहले तो हमारे चरण जो है धक्का मारो आंदोलन, और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व जो डिसाइड करेगा उससे तीव्र आंदोलन करने की हम कोशिश करेंगे। धक्का मारो आंदोलन में क्या ऐसा होने वाला सर? जो भी हमारे सबसे बेसिक नेसेसिटी जो है, हम घर से निकलते हैं तो हमको पेट्रोल लगता है, और वो पेट्रोल आज आसमान छू रहा है, हम गाड़ी निकालेंगे कैसे? धक्का ही मार के निकालना पड़ेगा। तो यही धक्का मारो आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जब पेट्रोल नहीं है तो धक्का मारना पड़ेगा गाड़ी को, तो हम धक्का मारेंगे। सर आप पेशे से एक वकील है, एडवोकेट है आप सर, तो आपको तो सारे कानून कायदे सारे नियम मालूम है सर। और सरकार ये कहती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो महंगाई हो रही है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो ऐसे में आम जनता को आप क्या मैसेज देने चाहेंगे सर? अगर सरकार के हाथ में कुछ नहीं है तो इस्तीफा देना चाहिए, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है तो इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा देना चाहिए। अगर सरकार ही बोलेंगी कि मैं लोगों के लिए योजना बनाता हूँ और जो लोगों के लिए जो सुविधा मैं देता हूँ मैं नहीं दे सकता हूँ, तो लोग निष्क्रिय बोल दे सकते हैं हम सरकार को, मतलब सरकार खुद बोल रही है मैं निष्क्रिय हूँ। धन्यवाद सर, तत्काल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं हम और लोगों से उनकी राय जानते हैं कि क्या राय है उनकी। सबसे पहले अपना नाम बताइए यार, आप क्यों यहाँ पर आए? मेरा नाम गणेश चौधरी है, सहसचिव महाराष्ट्र राज्य नागपुर विभाग। बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में महंगाई के विरोध में जिला कार्यालय और तहसील कार्यालय पर आंदोलन हो रहा है, धक्का मार आंदोलन हो रहा है। भारत में जो महंगाई बढ़ गई है, जैसे कि पेट्रोल 102 रुपया हो गया है, डीजल 94 रुपये हो गया है, गैस 861 रुपये हो गया है, खाद्य तेल 165 से 200 रुपये किलो हो गया है। तो ये महंगाई इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। पेट्रोल का वास्तविक जो दाम है वो केवल 27.95 रुपये है और डीजल का 24.85 रुपये है। अगर मान लो 28 या 25 रुपये में अगर डीजल और पेट्रोल और डीजल मिलता है तो 102 और 94 रुपये में अपने को क्यों दे रहा है? तो इसका कारण है कि 68 रुपये गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है, और ये टैक्स अगर, और फिलहाल जो कंडीशन है वो कोविड-19 की है, कोविड-19 की कंडीशन होते हुए अगर सरकार वो टैक्सेस कम नहीं करती है, यहाँ आम इंसान का खाना पीना रहना मुश्किल हो गया है और गवर्नमेंट टैक्स कम नहीं कर रही है, क्योंकि 1932-14 में क्रूड ऑयल का जो भाव था वो 71 डॉलर था, आज भी वही है। अगर वहाँ तब 71 रुपये का अगर पेट्रोल मिल रहा है तो अभी क्यों नहीं मिल सकता है? इसका कारण है पेट्रोल और दाम, पेट्रोल और डीजल पे इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, और इस कारण 2014 से अभी तक 25 लाख करोड़ जनता के माध्यम से लूट की हुई है इन्होंने। तो इसका हम पूरे जोर से विरोध करते हैं। और जो रसोई का गैस है वो केवल उसकी कीमत 127 रुपये है, लेकिन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 398 रुपये टैक्स लेती है और स्टेट गवर्नमेंट 102 रुपये टैक्स लेती है। तो
महंगाई इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। हम इस टैक्स लेने ज़्यादा टैक्स लेने लेने से महंगाई बढ़ रही है, इसका हम सरकार से पूरे जोर से बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे महाराष्ट्र में जिला में और तहसील में विरोध कर रहे हैं, धरना धक्का मार आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से हमारी गाड़ी को धक्का मारते मारते तहसील जिला कार्यालय में हम जाने वाले हैं। धन्यवाद। तो सर ये जैसे कि सरसों का तेल भी उसका भी बहुत भाव हो चुका है, जैसे कुछ महिला बता रहे थे कि हमको किचन संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए 100 रुपये के अंदर खाद्य तेल का भाव होना चाहिए था और अभी अगर देखा जाए तो वो 165 से 200 रुपये हो गया है। एक मान लो कि सोयाबीन का तेल है, सोयाबीन अभी मेरे ख्याल से 30 से 35 रुपये उसकी वैल्यू है, 70-80 रुपये रहती है, लेकिन आज की बात करते हैं तो 30-35 रुपये का सोयाबीन 1 किलो मिल रहा है, उसमें 200 रुपये का पाउडर निकलता है जिसकी कीमत है 400 रुपीज़, तेल निकलता है और ढेप निकलती है, यानी 30-35 रुपये से वो जो मैन्युफैक्चर है वो 400 से 450 रुपये बना रहा है, तो तेल की जो वैल्यू है 70-80 रुपये होना चाहिए। लेकिन वहीं पे भी वही बात है कि भाई टैक्स के माध्यम से ये सब महंगाई बढ़ी हुई है और ये जो निर्दयी सरकार है जो हमारे वोटों से आई हुई है या UM की वोटों से आई हुई है, तो ये हमारे ऊपर ख्याल आम इंसान के ऊपर ख्याल देना नहीं चाहती है। आम इंसान को वही उनका जो प्रॉब्लम्स है वही रखना चाहती है, नहीं तो आज तक सरकार कोविड पीरियड में ये जो दाम है टैक्सेस है वो कम करती और आम इंसान को रियायत देती थी। लेकिन आप ये बताइए कि ये मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम ये बोलती कि अच्छे दिन अपने जो लाए हैं ये तो बहुत अच्छे दिन है, और जैसा कि भाजपा के एक प्रवक्ता छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने ये कहा है, आपने शायद सुना भी होगा, कि अगर से जिसको महंगाई ज़्यादा लगती है तो वो खाना पीना छोड़ दे, जिसको पेट्रोल के दाम ज़्यादा लगते हैं वो गाड़ी चलाना बंद कर दे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भाजपा के? तो सरकार अगर महंगाई कम नहीं करती है तो वो सरकार ने कुर्सी खाली कर देना चाहिए। लेकिन वो तो बोले जो विरोध कर रहे हैं उनको खाना छोड़ना चाहिए जिनको महंगा लग रहा है। तो ये जो जो तबका है, ये जो जिनको प्रॉब्लम हो रही है, ये जो तबका है ये 80-90% लोग इससे सफर है, केवल 5-10% लोग ही ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में 6 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हुई है। इस लॉकडाउन पीरियड में गवर्नमेंट ने ही लेबर लॉ है उसको ख़त्म कर दिया है, आम इंसान का जो रोजगार ही नहीं रहेगा तो वो खाएगा पिएगा कैसे, वैसे भी लोग मर रहे हैं। इसका कोई संख्या है? ये संख्या गवर्नमेंट के पास डिक्लेयर नहीं कर रही है कि भूखमरी से कितने मर रही करके, ये भूखमरी कोई बीमारी नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे ये कहता है कि भाई 73 करोड़ 60 लाख जो लोग है उनका डेली का जो इनकम है वो केवल 20 रुपये है, ये सरकार का ही नेशनल सैंपल सर्वे है ना। अगर बहुमत में अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो ये चुटकी पर जो सरकार बनाने वाली जो लोग है इन्होंने कुर्सी खाली कर देना चाहिए और हवाले बहुजन मुक्ति पार्टी के हवाले कर देना चाहिए। हम सिखाएंगे उनको कि कोविड फंड में प्रधान फंड में 35,000 करोड़ आया वो कहाँ पर गया। तो ये अभी राज सरकार में रहने के लायक नहीं है, उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी को अभी कुर्सी खाली करके देना चाहिए, EVM से चुनाव लेना बंद कर देना चाहिए, निजीकरण बंद करना चाहिए, क्योंकि निजीकरण के माध्यम से ही ये जो महंगाई है वो बढ़ रही है। तत्काल न्यूज़ से बात करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तत्काल न्यूज़ नागपुर से अब्दुल शेख।